दोस्तों आज से बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के हिस्से चैप्टर वन के अगले टॉपिक जो कि है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। दोस्तों इसमें कहा है 4.1 जो टॉपिक इसमें आ रहा है कि जर्मनी को क्या जो वहाँ के आर्मी होते हैं क्या उसको वो एक रूप दे सकते हैं, क्या उसको एक निर्माण करके एक ढाल करके कोई उसको एक रूप दे सकते हैं, तो यही चीज़ को इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि 1848 जो था उसके बाद में जो लोगों के बीच में नेशनलिज्म की जो भावना थी, तो पहले क्या था लोग ये सोचते थे कि नेशनलिज्म की भावना थी उनके अंदर, तो वो सोचते थे कि उनका जो है देश है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसमें रेवोल्यूशन वर्क करते थे जिससे कि वो आज़ाद हो सके, उनको फ्रीडम चाहिए था और भी बहुत सारे अपने मीन्स इक्वलिटी के लिए फ्रीडम के लिए वो क्या करते थे। लेकिन बाद में 1848 के बाद में ये जो था नेशनलिज्म का भावना ये थोड़ा बदल गया, ये अब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के ऊपर नहीं आता था। मतलब पहले क्या था जहाँ पे आप नेशनलिज्म में थे मीन्स जो लोग के अंदर नेशनलिज्म की भावना थी वो सीधी सी बात है कि वो डेमोक्रेसी चाहता था और रेवोल्यूशन करता था, ठीक है। लेकिन बाद में ये भावना अब हट गई थी, इसलिए ये जो है वहाँ के जो कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या करने लगे, ये जो नेशनलिज्म का जो भावना है इसको इस्तेमाल करके लोगों को ये कहते थे कि जैसा अभी हाल फिलहाल में जैसे राजा अभी कोई रूल कर रहा है तो उसको रूल करने दीजिए, आप जो है मीन्स अपने देश के प्रति प्रेम कीजिए, आप जो नेशनलिज्म की भावना अपने अंदर रखिए। लेकिन फिर भी जो कंजर्वेटिव था उसको इस तरह से यूज़ करता था जिससे कि देश में वो लोग विद्रोह ना करें, वो खाली देश के प्रति प्रेम रखे और जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आराम से चलें और विद्रोह ना करें, इससे वो ऐसा करते थे जिससे कि वो एक मीन्स स्टेट का एक पावर को दर्शाता था और साथ ही साथ इस तरह से लोग जो थे वो ज़्यादा विद्रोह नहीं किया करते थे। इसमें कहा गया है कि जो जर्मनी और इटली था ये पहले बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, मतलब ऐसा ना कि पूरा एक पार्ट को हमने जर्मनी नाम दे दिया या पूरे पार्ट को इटली नाम दे दिया, बल्कि जो जर्मनी था वो बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था। तो यही जो बाद में बताया गया कि जब वो बहुत सारे हिस्सों में बटा था तो वहाँ के जो लोग सब थे जब उनके अंदर ये नेशनलिज्म की भावना थी और जब वो नेशनलिज्म की भावना जब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई थी तो उस समय लोग ये सोचते थे और ये चाहते थे कि उनका जैसे कि ये बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है जर्मनी, तो वो क्या चाहते थे कि ये एक हो जाए, एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, एक हो जाए वो। इसीलिए मेनली इसमें कौन आते थे तो मिडिल क्लास जर्मन्स आते थे जो कि ऐसे फीलिंग रखा करते थे, नेशनलिस्ट की फीलिंग रखा करते थे। उन्होंने जो 1848 में ट्राई भी किया था यूनाइट करने के लिए जर्मनी को, मीन्स पूरा चाहा था कि वो एक यूनाइट हो जाए, उसके अंदर जो डेमोक्रेसी है ये भी आ जाए और पार्ली एक मतलब गवर्नमेंट ऐसा फॉर्म हो जाए जिसके अंदर लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुना जाए, मीन्स कोई भी एक इलेक्टेड मतलब रिप्रेजेंटेटिव है वो और उसको चुना जाए लोगों के द्वारा, मीन्स वहाँ पर मोनार्की सिस्टम एकदम हट जाए, डेमोक्रेटिक जो हो जाए वो प्लेस। तो इन्होंने ऐसा करना चाहा था 1848 तक में, लेकिन फिर भी वो मीन्स नहीं मतलब सही तरीके से हासिल अपना जो लक्ष्य है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय के जो पर्सिया के जो राजा रहते हैं वो और जो कुछ और मिलिट्री पावर जो है वो सब मिल के क्या करते हैं कि उनको दबाव बना के इस चीज़ जो वो चाहते थे उस पर मीन्स रोक कर देते हैं। मतलब यहाँ पे लोगों का जो तो क्या था कि एक पार्लियामेंट्री मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने जिसमें कि वो लोग इलेक्ट करें उस सबको, मीन्स वहाँ पर एक तरह से उनका पावर्स हो, ऐसा ना कि मोनार्की सिस्टम हो। लेकिन फिर भी जो पर्सिया के किंग थे और भी मिलिट्री पावर्स जो है वो सब मिलकर मीन्स दूसरे भी देश सब थे जो कि मोनार्की को सपोर्ट करते थे जैसे राजा महाराजा ही हो गए, वो सब मिलकर इसको दबाव बना के बंद कर देते हैं, मीन्स लोगों का ये जो सोच था इसको दबा के हटा देते हैं। फिर इसमें क्या कहा है कि बाद में जो मतलब पर्सिया रहता है उसके अंदर क्या करता है, पर्सिया का जो राजा रहता है वो ये बोलता है कि वो जो है इसके अंदर यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन का मीन्स एक तरह से प्रोसेस, मतलब कि एक देश को एक करना, मीन्स जो बटा हुआ देश है उसको एक करना, तो वो चाहता है। और इसके लिए जो है उसका जो चीफ मिनिस्टर था वोटन वॉम बिस्मार्क वो जो थे मीन्स उन्होंने इसको पूरा अपने हाथ में लिया कि हाँ जो है हम हेल्प करेंगे, जैसे कि राजा रहता है उसमें उसका जो सेनापति मंत्री से हो गया वो किसी वर्क को अपने हाथ में लेता है, सेम इस तरह ही जो पर्सिया के जो राजा थे उनकी ये चीफ मिनिस्टर जो था इसने इस वर्क को हाथ में लिया यूनिफिकेशन के, और वो क्या करता है जो पर्सिया के आर्मी रहता है इन सब की हेल्प से जो था वो अब जो दूसरे देश है उस पर मीन्स जीतने का जो है उसको जीतने का सोच रखता है। सबसे पहले कहा गया है कि ये जो पर्सिया का जो ये चीफ मिनिस्टर था ये पर्सियन आर्मी को लेकर बाद में क्या करता है कि 3 बार जो है ये लड़ता है ओवर 7 ईयर्स मीन 7 साल तक लगभग 3 बार जो है ये लड़ता है, और ये किसके साथ होता है तो ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस, और बाद में एंडेड इन पर्सियन विक्ट्री, मीन्स पहले तो इन सबसे लड़ता है तीनों से
और उसके बाद जो है वो जीत भी जाता है। एक तो होता है हारने का अलग बात हो गया, लेकिन वो क्या करता है कि जीत भी जाता है इन तीनों से। और जीतने के बाद ये क्या होता है कि इसका जो प्रोसेस का जो रहता है यूनिफिकेशन करने का, एक करने का, ये पूरा हो जाता है। मीन्स ये जो चाहता था कि नेशन का एक यूनिफिकेशन हो, वो अब मीन्स इसका जो सोच रहता है, थिंकिंग रहता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर बताया गया 1871 में, जनवरी 1871 में जो पर्सियन किंग रहते हैं विलियम वन, जो है कि मतलब जर्मन एम्परर के मीन्स गद्दी पर बैठते हैं या फिर उसमें प्रोक्लेम किए जाते हैं, जैसे जीत जाते हैं वो जर्मनी को फिर। और जिस तरह मतलब कि यहाँ पर ये तीन देशों से इन्होंने लड़ाई किया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस है, जिससे कि वो दूसरे और जैसे रुकावट बनना होता है, तो इससे करके उसको हरा के किसी दूसरे जो और राज्य है उस सबको कब्जा करने का। तो इन्होंने फिर बाद में क्या किया कि जर्मनी पे कब्जा कर लिया, फिर वहाँ पर उनको मीन्स बैठा दिया, एम्परर बना दिया गया, ठीक है। और ये बनाया कब गया था, जनवरी 1871 में, और कहाँ पर, वर्साइल में, मीन्स वहाँ पर ये हुआ था, हेल्ड हुआ था। इसमें कहा गया है कि जब 1871 में, उस वक्त का बात बताया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड थी, और उस वक्त जो है बहुत सारे मीन्स प्रिंसली स्टेट्स जो होते हैं, जैसे जर्मनी जो था बहुत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, वहाँ पे अलग अलग प्रिंस हो गया, किंग हो गया, ये सब राज किया करते थे। तो उन सब में जो है मीन्स वो सब प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस थे वो सब वहाँ पर आए थे। वहाँ पर आने के बाद जो ओटन वॉन बिस्मार्क जो थे, उन्होंने वहाँ पर सबको बुलाया था, कहाँ पर, हॉल ऑफ मिरर में, इन द प्लेस ऑफ वर्साइल, मीन्स हॉल ऑफ मिरर इन द प्लेस ऑफ वर्साइल जो है वहाँ पर बुलाया गया था सारे प्रिंसेस को, जहाँ पर कि विलियम वन को, कैजर विलियम वन को, जो कि पर्सिया के राजा थे, उनको जर्मन का एम्पायर घोषित किया गया, फिर बनाया गया। अब देखिए क्या होता है, अब जो जर्मन का जो एम्पायर वो बन जाता है विलियम वन, तो उसके बाद वो क्या सोचता है कि वहाँ पे कुछ चेंजेस लाने के लिए, सीधी सी बात है, कोई भी अगर कहीं रूल करता है तो उसमें क्या सोचता है कि थोड़ा वहाँ पे चेंजेस लाने के लिए, जो कि उसको सही लगता है। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्सिया स्टेट पावर, मीन सबसे पहले तो ये हो गया कि जब उसने जीता जर्मनी को, तो ये उसके पावर को दर्शा रहा था कि कैसे पर्सिया का इतना पावर था जिसने कि जर्मनी को जीत लिया। मतलब किसी को अगर कोई कंट्री जीतता है तो वो उसका पावर को दर्शाता है कि उसके पास इतना पावर था कि उसने उसको जीत लिया। तो एक ये तो हो गया, उसका पावर को ये दर्शा रहा था। दूसरा वो क्या सोच रहा था कि वहाँ का जो करेंसी है उसको बदल देना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग करेंसीज वहाँ पर यूज़ किए जाते थे, बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा चेंज करना, ज्यूडिशियल जो सिस्टम था उसको चेंज करना, मतलब अपने तरफ से जितना वो चेंजेस ला सकता था उतना वो चेंज करता था। और साथ ही साथ वो क्या करता था, मेजर सिस्टम और मेजरिंग सिस्टम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर आप जर्मनी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग नाप का मिलेगा। मतलब अगर यहाँ एक जगह मान लेते हैं अगर 57 सेंटीमीटर अगर किसी चीज़ का नाप आ रहा है, तो दूसरी जगह जाएंगे तो आपको 65 सेंटीमीटर उसी का नाप होगा। मीन्स जो मेजरिंग जो था सिस्टम का एक यूनिट जो कह सकते हैं, वो सब जगह थोड़ा अलग अलग था। तो इसने क्या किया, सब जगह जो है एक ही मेजर का जो मेजरिंग यूनिट रहता है वो डाल दिया। मीन्स जो जर्मनी में था सारे जगह अब एक ही मेजरिंग यूनिट रहेगा, ऐसा ना कि कहीं 65 है तो कहीं 57 है। इसलिए फिर इसने जर्मनी में ये जो कुछ हिस्सा में जो कब्जा करके इसने कुछ काम किए थे। तो दोस्तों इस तरह ये जो वीडियो में यही बताया जा रहा है कि कैसे जो पर्सिया जो है ये बाद में लड़कर कैसे जर्मनी पे अपना कायम कर लेता है, मीन्स राज कायम कर लेता है। अब अगले वीडियो में जानेंगे इटली यूनिफाइड में, जो कि इसका अगला वीडियो होगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।